नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योम वास शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे 16 सोमवार की। इस वीडियो में हम बताएंगे कि 16 सोमवार कब उठाना सबसे श्रेष्ठ होता है, 16 सोमवार की संकल्प विधि क्या है, 16 सोमवार व्रत रखते समय क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर वार्ता करेंगे। 16 सोमवार के पूजन की क्या विधि है, कितने सोमवार के बाद उद्यापन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम वार्ता करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि 16 सोमवार का इतना महत्व क्यों है। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब माता पार्वती कैलाशपति के यहाँ जन्म ली तो उनको भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करना था। तो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माता ने 16 सोमवार का व्रत रखा। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके मन में कोई बड़ी इच्छा हो तो 16 सोमवार व्रत करके आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। आपको पति की इच्छा हो, आपका विवाह हो चुका है, पति सुख में समस्या चल रही है उसके लिए, आपको संतान की इच्छा हो, धन यश कीर्ति जो भी बड़ी मनोकामनाएं हैं उन सभी की पूर्ति के लिए यह व्रत फलदायी माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसको कब उठाना चाहिए। कहा जाता है कि जो लोग पहली बार व्रत उठाएं और उस वर्ष अधिक मास नहीं लगा रहना चाहिए। जैसे सन 2022 में अधिक मास नहीं लग रहा है। अब बात उठती है कि कब उठाना श्रेष्ठ कर होता है। सावन के सोमवार से 16 सोमवार उठाना सबसे श्रेष्ठ कर होता है, सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के सोमवार में जब आप 16 सोमवार उठाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। अब एक धारणा आती है, कुछ लोग कहते हैं कि पहले या तीसरे सोमवार से उठाना चाहिए। उसके पीछे नियम यह है कि विषम संख्याओं को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन मेरा जो मानना है कि ठीक है, अगर आप पहले या तीसरे उठाते हैं तो उत्तम है, लेकिन अगर पहले पे नहीं उठ पाया है या तीसरे पे नहीं उठ पाया है तो दूसरे और चौथे पे भी आप उठा सकते हैं। कारण क्या है? सावन का जो महीना है यह अपने आप में अद्भुत है, और महीनों से उठाने से अच्छा है कि इस महीने के किसी भी सोमवार को आप उठा लें। हाँ, पहले कोशिश करें कि आप पहले या तीसरे सोमवार से उठाएं। अब आपने व्रत उठाने के लिए सोच लिया है तो इसको कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, आपको सोमवार के दिन सुबह उठ के, सूर्योदय से पहले उठ के अपनी नित्य क्रिया आदि करके भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए तैयार होना है। साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और सुंदर कपड़े पहनने हैं, अगर नया हो तो नया पहने, नहीं तो प्रभु के पास साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक अच्छे भाव से आप जाएं, यही पर्याप्त। फिर आप अपने घर में भगवान भोलेनाथ हों या किसी मंदिर में जाकर अपने व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? संकल्प में आप अपने हाथ में चावल, जल, हल्दी, ऐसे अच्छत उसको बोला जाता है, जो हल्दी और चावल मिक्स होता है उसको अच्छत बोला जाता है। अच्छत को आपको रखना है, जल रखना है, सिक्का रखना है, सुपारी रखनी है, पान रखना है, और मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए, गणेश जी को याद करते हुए, माता पार्वती को याद करते हुए संकल्प लेना है कि हे प्रभु, आप अपना नाम बताएं। अगर अनमैरिड हैं तो आप पति का नाम बताइए, पिता का नाम बताइए। मैरिड हो तो आप पति का नाम बताइए।
पुरुष भी अगर इस व्रत को रखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि पुरुष इस व्रत को नहीं रख सकते, पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। आप रखिए, अपने पिता का नाम बताइए, अपना गोत्र बताइए और संकल्प लीजिए। संकल्प में बोलिए कि हम 16 सोमवार का यह व्रत रखने वाले हैं और किस मनोकामना से रखने वाले हैं यह जरूर बताएं। पति पाने के लिए, मनचाहा विवाह होने के लिए, नौकरी, संतान या विवाह उपरांत पति जीवन अच्छा नहीं जा रहा है, वह जीवन अच्छा हो इसके लिए आप संकल्प में जरूर बोलें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जितनी भी पसंदीदा चीज़ें हैं उनको आपको चढ़ाना है। सबसे पहले संकल्प पे पहले ही आपको भगवान को स्नान कराना है। फिर संकल्प पढ़ने के बाद जो भी सामग्री हमने हाथ में बोली है यह सामग्री भगवान के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को आपके पास दूध, दही, घी, शक्कर, मधु और पंचामृत जो भी चीज़ें हैं इनसे भगवान को अभिषेक करा दीजिए। इनमें से सारी चीज़ें हों हैं तो छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत श्रेष्ठ है, और सब अभिषेक के बीच में आपको जल जरूर डालना है। जैसे दूध चढ़ाए तो जल डाल दीजिए, दही चढ़ाए तो जल डाल दीजिए, घी चढ़ाए फिर जल डाल दीजिए, चढ़ाते हुए फिर इस क्रम में आप भगवान की सेवा करें। उसके बाद भगवान को पसंदीदा चीज़ें क्या हैं, भांग, धतूर, मदार, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, शमी पत्र और मंजरी और दूर्वा, ये सभी चीज़ें भगवान को अति प्रिय हैं, ये सारी चीज़ें भगवान पर समर्पित कर दीजिए। यह आपकी प्रथम बेला की पूजा हो गई। उसके बाद दिन भर भगवान का चिंतन मनन करें और 16 सोमवार में अन्न जल का त्याग किया जाता है, अन्न जल नहीं लिया जाता। अब कभी कभी कुछ महिलाएं कहती हैं कि गुरुजी प्रेगनेंसी है। देखिए, रोगी, वृद्ध और बालक के लिए शास्त्रों में, नियमों में छूट दी गई है। आप भगवान से क्षमा याचना करके जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पौरुषवान हैं, क्षमतावान हैं, उनको जरूर इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब दिन भर आप भगवान का चिंतन मनन करें, विश्राम कतई न करें। हाँ, हार्ड वर्क से बचें, क्योंकि आप दिन भर जल नहीं ले रहे हैं और गर्मी का दिन होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। जो लोग बीमार हों, परेशान हों, कोशिश करके व्रत न रखें, अगर रखते हैं तो जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। संध्या के समय पार्थिव पूजन कहा जाता है, जो मिट्टी से बनाकर, शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक किया जाता है, और भोग में चूरमा लगाया जाता है। चूरमा एक विशेष तरह से आटे और शक्कर से बनाया जाता है, पूड़ियों की तरह होता है, उसको बनाकर छोटे छोटे पीस में बांटा जाता है, उसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पार्थिव का शिवलिंग बनाकर बाकायदे फिर उन्हीं चीज़ों से दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत, इन सभी चीज़ों से, मधु, इन सभी चीज़ों से भगवान का अभिषेक करिए। भगवान के ऊपर यथाशक्ति वस्त्र, अगर वस्त्र नहीं है तो रुई में आप थोड़ी सी हल्दी लगाकर भगवान को समर्पित करें, जनेऊ, ये सारी चीज़ों के साथ जो उनको और पसंद चीज़ें हैं, भांग, धतूर, मदार, फूल, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, शमी पत्र, मंजरी और दूर्वा। मंजरी वो है जो तुलसी के पेड़ में जो फल निकलता है, वो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। धतूर का फल जो होता है वो भी भगवान को अति प्रिय है। ये सारी चीज़ें भगवान को आप समर्पित करिए। समर्पित करने के बाद सोमवार की कथा आप पढ़ें और कोशिश करें एक या तीन या पांच लोग आपकी कथा सुने, और कथा सुनने के बाद उन्हें आप प्रसाद जरूर दें।
प्रसाद देने से पहले भगवान की बकायदे आरती करनी है। माता पार्वती गणेश सबका ध्यान करना है, पूजन करना है, आरती करनी है। प्रसाद वितरण करने के बाद देखिए प्रसाद आटे का बना है, आप माथे से चढ़ा लेंगे लेकिन आप स्वयं उसका सेवन नहीं करेंगे। और जो भी प्रसाद आपको लेना है वह फलहार का होना चाहिए, जूस आदि होना चाहिए, क्योंकि 16 सोमवार में अन्न ग्रहण नहीं करना है। और कुछ लोग कहते हैं क्या नमक ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सोमवार व्रत में नमक का विशेष तौर से निषेध है। अब हम बात करते हैं कि जो पार्थिव है उसको क्या करना है। रात्रि भर यह पार्थिव आपके घर में रहेंगे, सुबह बहते पानी में, कुएं में या किसी पवित्र वृक्ष के नीचे आपको ले जाकर रख देना है। ऐसे ही 16 सोमवार तक लगातार आपको पूजन करना है। अब बात उठती है कि उद्यापन कैसे किया जाए, तो कुछ लोग बोलते हैं क्या 16 सोमवार पे करना है कि 17वें सोमवार पे। आपने 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया है तो आप 16वें पे कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो करना कब है, 17वें सोमवार पे। अब कुछ लोग बोलते हैं 17वां सोमवार कृष्ण पक्ष पर पड़ रहा है, कुछ बोल रहे हैं शुक्ल पक्ष। भैया जिस दिन आपका 17वां पूरा हो उसी दिन आपको उद्यापन करना है। अब उद्यापन की क्या विधि है, उद्यापन में साफ तौर से सबसे पहली चीज जान लीजिए, उद्यापन का मतलब होता है कि आपका व्रत पूर्ण हुआ है, भगवान आपकी बड़ी कृपा है कि आपके नाते हमारा व्रत पूर्ण हुआ है। तो उस दिन क्या करना है, फिर से आपको पार्थिव पूजन करना है विधि विधान पूर्वक, और उस दिन ब्राह्मण बुलाकर अगर आप यथाशक्ति हवन भी करा लें, बकायदे रुद्राभिषेक कर लें, फल वस्त्र जो भी आपके पास हो दान आदि कर लें, अन्नदान जो भी दान हो दान कर लें। अगर आप ब्राह्मण नहीं बुला पाते हैं स्वयं से अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें हैं चढ़ाइए, दान आदि करके मंदिर में ले जाकर दे दीजिए, मंदिर में ही ले जाकर भोजन बनाने वाली सामग्री दे दीजिए, नहीं तो घर पे बुलाकर 3, 1, 5 या 7 ब्राह्मणों का भोजन करा दीजिए। भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा जरूर दीजिए, और इस सारी क्रिया में आपका भाव बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़े मन और चिंतन और भाव से यह क्रिया आप करें। यह सारी क्रिया करने के बाद अब आपका संकल्प पूरा हुआ, आपने उद्यापन कर दिया, ब्राह्मण भोजन करा दिया, बकायदे हवन आदि कर दी, अब आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तो मित्रों आज यह संपूर्ण विधि रही सावन में कैसे 16 सोमवार का प्रारंभ किया जाए। तो मित्रों जिन लोगों को भी सोमवार व्रत रहना है उनको इन नियमों का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अब रही बात कुछ छूट जाने की, अगर हमसे कुछ छूटा हो हमने ना बताया हो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को छोड़कर हमसे जान सकते हैं। कुंडली दिखानी हो, वास्तु के बारे में जानना हो तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे वार्ता कर सकते हैं, आप अपने लिए समय निश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।